ये हैं मेजर साहब। इन्हें मेजर के पद से रिटायर हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी आज इन्हें जानने वाले मेजर साहब ही कहते हैं। बच्चों में ये बहुत ही लोकप्रिय है। ये बच्चों को महापुरुषों की बचपन की कहानियां सुनाया करते हैं। नमस्ते नमस्ते। अरे अरे, ये मूषक महाराज को जेल खाने में बंद कर कहां ले जा रहे हैं आप लोग? मेजर अंकल, हम लोग स्कूल में एक प्ले खेलने वाले थे और ये जो हमारे नाटक की किताब खा गया, तो हम इसे जंगल की हवा खिलाने ले जा रहे हैं। ओहो, फिर आप लोग वो नाटक, मेरा मतलब है वो प्ले कैसे खेलोगे? इसी बात की तो चिंता है अंकल। इस बदमाश का पेट हमारी मिठाई साबुन खा के नहीं भरा क्या, जो हमारी नाटक की किताब ही खा गया? क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जो चूहे की एक छोटी सी घटना के कारण वर्ल्ड में फेमस है? वे महापुरुष कौन थे अंकल? उनके बचपन के बारे में बताइए ना। बताता हूँ, चलो वहाँ चल के बताता हूँ, फॉलो मी। वे महापुरुष एक बहुत बड़े सन्यासी थे। दुनिया उन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जानती है। ये देखो, ये है उनकी फोटो। अरे वाह, कितना बढ़िया फोटो है अंकल। सुना है इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इनके बचपन की घटना पर प्ले खेलने में सचमुच बड़ा मजा आएगा। लेकिन मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना है अंकल, प्लीज बताइए ना, इन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जात पात ऊंच नीच का भेद मिटाने की पूरी कोशिश की थी, जिन्होंने समाज में स्त्री जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत कुछ किया था, जिन्होंने भोली भाली जनता के मन से अंधविश्वास को हटाने के लिए बहुत कुछ किया था, जिन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने का प्रयास किया। बाल विवाह मतलब अंकल? मैं कुछ समझा नहीं। बाल विवाह का मतलब ये कुणाल कि अगर उन्होंने ये कुप्रथा नहीं हटाई होती तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती, इनकी श्रीमती भी होती, यहाँ बैठी होती। और तो और, ये भी कहा जाता है कि हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कमाल है, एक स्वामी होकर उन्होंने अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ी। लड़ाई सिर्फ तलवार या बंदूक से ही नहीं लड़ी जाती कार्तिक, लड़ाई कलम यानी विचारों से भी लड़ी जाती है। 1857 की आजादी की लड़ाई के बारे में भी आप लोगों ने कुछ न कुछ तो सुना ही होगा। हाँ अंकल, सुना है अंग्रेजों के खिलाफ वो पहली लड़ाई थी। बिल्कुल सही कहा तुमने नेहा, स्वतंत्रता के लिए वो पहली लड़ाई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लड़ाई असफल रही। जानती हो, 1857 की उस लड़ाई के असफलता के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया? क्या किया अंकल? 1857 की आजादी की लड़ाई के असफलता के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने देश के लाखों देशभक्तों के हृदय में आजादी की लौ को जगाए रखा। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, अलग अलग विरासतों के राजाओं को एकजुट किया। उनका यह मानना था कि एकजुट होकर ही अंग्रेजों को भारतवर्ष से खदेड़ा जा सकता है। लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। हाँ सुना है अंकल, वे लोग बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बिल्कुल सही सुना तुमने, वे लोग भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। हमें दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूरी बात बताइए। तो सुनो, दयानंद सरस्वती जी का जन्म सन 1824 में गुजरात स्थित मौरवी राज्य के टंकारा ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम मूलशंकर था, उनके पिताजी का नाम करसन जी था। वे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के नाम के साथ शिव जी का नाम शंकर जोड़ दिया। शिवरात्रि के दो दिन पहले की बात है,
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, बैठो भूरेलाल। क्या बात है, इस बार तुमने हमारे खेत का पूरा अनाज नहीं दिया? कुछ समस्या आ गई बाबूजी, परसों शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के बाद पहुंचा दूंगा। इधर आओ। जी पिताजी। यहाँ बैठो। मूल बेटे, इस बार तुम्हें भी शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण करना है। मुझे? मुझे क्यों पिताजी? हम चाहते हैं कि इस बार तुम भी शिवरात्रि का व्रत रखो। क्या सोचने लगे? क्षमा करें पिताजी, मैं शिवरात्रि का व्रत करूं पर किस लिए, क्यों पिताजी? भूल बेटे, ये अकारण प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम्हें शिवरात्रि का व्रत रखना है बस। लेकिन क्यों पिताजी? क्योंकि ये हमारी आज्ञा है। आपकी आज्ञा मानकर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ पिताजी, लेकिन व्रत और रात्रि जागरण। क्या तुम एक दिन का उपवास नहीं रख सकते? उपवास तो मैं रख लूंगा पिताजी, लेकिन। लेकिन क्या पिताजी? आपकी आज्ञा से मैं व्रत तो रख लूंगा, लेकिन कारण जाने बिना व्रत का क्या लाभ? और आप ही कहते हैं दबाव में आकर किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, तो क्या यह व्रत सफल होगा? ये ठीक कह रहा है, मेरे दबाव में आकर ये व्रत तो कर लेगा, लेकिन उसका इसे उचित फल नहीं मिलेगा। मुझे इसके भीतर व्रत रखने की इच्छा जगानी होगी। मूल बेटे, जो कोई भी शिवरात्रि का व्रत रखता है, शिवजी प्रसन्न होकर उसे मनचाहा फल देते हैं। और फिर तुम तो शिवजी के दर्शन भी करना चाहते थे ना? शिवजी के दर्शन? हाँ पिताजी, मैं शिवजी के दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु कैसे होगे शिवजी के दर्शन? उसके लिए ही तो तुम्हें शिवजी का व्रत रखना है। हाँ, जो कोई भी भक्त शिवजी का व्रत रखता है और रात्रि का जागरण करता है, शिवजी उसे दर्शन देते हैं। तो क्या शिवजी से शिवरात्रि की रात ही प्रकट होते हैं पिताजी? नहीं बेटे, संसार में जब कहीं वे अत्याचार होता हुआ देखते हैं, तो शिवजी वहां प्रकट होकर उन दुष्टों का संहार करते हैं और संसार से अत्याचार मिटाते हैं। अच्छा, शिवजी दुष्टों का संहार करते हैं? शिवजी का जो त्रिशूल है ना, उस त्रिशूल से ही तो वो दुष्टों का संहार करते हैं। शिवजी तो बहुत शक्तिशाली भगवान है पिताजी, इनका दर्शन करने के लिए मैं शिवरात्रि का व्रत रखने और रात्रि जागरण करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। बोल बेटे, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ बेटे। तमारो छोकरो तो बड़ो तेजदार है बाबूजी। सब शिवजी की कृपा है। कोई बात नहीं, शिवरात्रि के बाद जो भी अनाज हो उसे पहुंचा देना। जब उनकी माताजी को पता चला कि उनका बेटा भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाला है, तो उन्होंने अपने पति से कहा। मूल शंकर बता रहा था कि कल वो भी शिवरात्रि का व्रत रखेगा, क्या ये सच है? मैंने ही उसे व्रत रखने के लिए कहा है। क्या इस छोटे आयु में वो कठोर व्रत रख पाएगा? Thank you.
चिंता न करें माँ, शिव जी के दर्शन के लिए मैं प्रसन्नता से व्रत पूर्ण करूंगा और रात्रि जागरण भी। अभी तो तू उत्साह में ये सब कह रहा है बेटा, लेकिन मुझे सब पता है। जब पूजन का समय होगा तब तू खाना मांगने लगेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, मैं कल पूरा दिन उपवास रखूंगा। और अब देख लीजिएगा, भोजन करना तो दूर की बात है, मैं आपसे जल तक नहीं मांगूंगा। नहीं नहीं, आप इसे आज्ञा बिल्कुल मत दीजिए, ये सब बड़ा होने पर करें। माँ आप अकारण घबरा रही है, हिम्मत रखिए। आपका बेटा शिव जी के दर्शन के लिए कितना भी कष्ट सह सकता है, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि कल मैं सफलतापूर्वक व्रत रख सकूं। फिर शिवरात्रि वाले दिन मूल शंकर अपने पिताजी के साथ शिव जी के मंदिर पहुंचे। शन्नो विष्णुरुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वत्तारमवतु अवतु माम् अवतु वत्तारम्। ओम जय भोलेनाथ पंडित जी। आइए आइए कृष्ण जी। पंडित जी, इस बार तो मूल बेटे ने भी शिव जी का व्रत रखा है हुँ? और अब तो ये रात्रि जागरण भी करेगा। धन्य है शिव जी, इस बालक की मनोकामना पूरी करे। ्यौरुत्तररूपम् आकाशस्तन्धिः वायुस्तन्धारम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्यौतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्योत्तररूपम्। देखो जिस तरह से शिव जी के दूसरे भक्त है ना, तो बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमें भी यहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है? जी पिताजी। अन्ते वास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनकम् सन्धारम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रयम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननकम् सन्धारम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धारम्।